हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ रिपेयर गुरुजी। दोस्तों, यहां पे ये जो कार्बोरेटर है ये अराउंड 13 इयर्स ओल्ड है, और ये जो कार्बोरेटर होता है इसमें जल्दी प्रॉब्लम नहीं आता है, बट प्रॉब्लम होता है कि इसका जो रबर कंपोनेंट्स होता है, जैसे कि यहां पे ये जो ओरिंग है ये, उसके बाद यहां पे ये देख रहे हैं, यहां पे इसमें जुगाड़ लगाया हुआ है, क्योंकि यहां से ये जो पैकिंग वाला ओरिंग रहता है ये आपका एक टाइम के बाद ब्रिटल हो जाता है और दब जाता है, और यहाँ से साइड से पेट्रोल का लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी के लिए मैं खोज रहा था इसको, बट इसका मिला नहीं, ये स्प्लेंडर का है और स्प्लेंडर का जल्दी मिला नहीं मुझे। होता क्या है कि छोटा छोटा कंपोनेंट शॉपकीपर या जो पार्ट्स स्टोर वाले होते हैं वो रखते नहीं हैं। तो मैं इसी तरह लोकल मार्केट में सर्च कर रहा था, तो एक शॉपकीपर ने मुझे ये कंप्लीट किट ही दिया, और ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहता है, 250-300 का आपको मार्केट में मिल जाएगा, और इसमें सब कुछ है। ये देखिए, ये ऐसा नहीं कि मैं ब्रांड प्रमोशन कर रहा हूँ आपको, ये कोई लोकल टाइप का कंपनी है, बट कंपोनेंट्स आप देखेंगे तो इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, और आप इसको एक बार मार्केट में सर्च कर सकते हैं, और जरूरी नहीं कि इसी ब्रांड का, बहुत सारा ब्रांड आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो कंप्लीट किट ही है इसमें, ये देखिए, जो जो आपको रिक्वायर्ड उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा। ये देखिए, ये जो कार्बोरेटर है ये लीक कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे फ्लोट पिन मिल गया, यहाँ पे ये वाला जो आपका पैकिंग है ये इसका काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो पैकिंग है ये मिल गया। उसके बाद देखिए, इसमें जेट भी दिया गया, और होता है जनरली कि ये जो एयर फ्यूल का एडजस्टमेंट वाला जो होता है, इसको निकाल के मैं दिखाता हूँ, इसका ये जो ओरिंग रहता है या तो टाइम के साथ डैमेज हो जाता है, या कभी कोई क्लीन करते समय इसको मिसिंग कर देता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी मुझे मिला है, इसके अंदर स्प्रिंग, ओरिंग, और उसके बाद जो वाशर होता है ये भी इसमें है, तो सारा कुछ इसमें दिया गया है, ये देखिए। और ये छोटा छोटा कंपोनेंट आपको अलग से कहीं मिलेगा नहीं, तो ये कंप्लीट किट में ही दे दिया गया है जो भी रिक्वायर्ड है, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए, ये है आइडलिंग एडजस्टमेंट, तो ये भी दिया गया है, ये देखिए, ये भी दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद ये जो होता है आपका ओवरफ्लो वाला, कभी क्लीन करते करते ये भी डैमेज हो जाता है, तो ये भी नया दिया हुआ है, ये देखिए। सारा कुछ जो भी आपका रिक्वायर्ड है सारा कुछ इसमें दिया गया है, तो बहुत ही यूज़फुल मुझे लगा। तो आपके कार्बोरेटर में भी अगर बहुत ज़्यादा ओल्ड है, लाइक ये कार्बोरेटर 12-13 इयर्स ओल्ड है, तो आपके लिए भी ये यूज़फुल हो सकता है। और कहाँ मिलेगा, तो आपको लोकल मार्केट में सर्च करना पड़ेगा, ऑनलाइन भी आप सर्च करेंगे तो कहीं कहीं मिल जाएगा आपको। तो ये कंप्लीट आपका यहाँ पे ये है, ये देखिए, ये आपका यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखिए। तो सारा कंपोनेंट इसमें अवेलेबल है, और यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ इसका ओरिंग में, ये जो पैकिंग है और ओरिंग में, तो इसका क्वालिटी मैं देखना चाहता हूँ। वो गिरा 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 गिरा, तो ये देखिए, यहाँ पे ये लगेगा, इसमें इसका ओरिंग है, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए, ये जो होता है पिन, उसमें लॉक भी दिया गया है। उसके बाद ये देखिए, ये जो ओरिंग है जो यहाँ पे मेरा डैमेज हो गया है, ये भी सही से काम करेगा यहाँ पे, ये देखिए। तो ये सारा एक एक आपको मिलेगा नहीं, और जो इंजन में जो लगता है, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जुगाड़ लगा हुआ है, तो इंजन वाला अगर यहाँ पे लगाएंगे और उसको पेट्रोल के कांटेक्ट में आएगा, तो वो फूल जाता है, वो आपका काम नहीं करता है, वो बड़ा हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए, ये भी दिया गया है, यहाँ पे जो कार्बोरेटर में ये जो लगता है, ये कार्बोरेटर का ये जो कैप है, इसमें जो लगता है, सारा कुछ जो भी मेन जो होता है कार्बोरेटर में, इस टाइप का कार्बोरेटर जो होता है स्लाइड टाइप, ये जल्दी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। प्रॉब्लम आता है एक्चुअली इसका जो रबर कंपोनेंट है, अब जैसे कोई भी रबर कंपोनेंट है तो उसका एक लाइफ होता है, 12-13 साल लगातार चलेगा, तो वो ख़राब होगा ही, तो यही प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये देखिए, ये भी आपको मिल गया, सारा ओरिंग, सारा ये, और मेन जो मेरा कंसर्न था ये
इसको निकालते हैं प्यार से, ये देखिए कुछ खोए ना, ये देखिए। ये मैं देखना चाहता हूँ कि सही से बैठ रहा है कि नहीं। वाह, तो ये आया बाहर और देखिए क्वालिटी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये अगर सही नहीं रहेगा आपका तो यहाँ पे लीकेज होता है, और इसमें देखिए बहुत बार इसमें जुगाड़ लगाया गया होगा, ये देखिए। और कंप्लीट कार्बोरेटर अगर आप परचेज़ करने जाएंगे तो कॉस्टली हो जाता है, मिनिमम 2000-3000 ऐसा, और होंडा का तो और भी ज़्यादा कॉस्टली रहता है। इसको क्लीन कर लेंगे अच्छे से, और इसको अगर बैठाया जाए तो भैया बहुत अच्छा, मस्त मस्त बैठ रहा है ये, मस्त। तो यही, तो ये क्लीन करके और डालेंगे तो और अच्छे से आएगा, तो बहुत अच्छा से बैठ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने कार्बोरेटर को रिपेयर करना है, बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया है, लीकेज हो रहा है, जो रबर पार्ट्स है वो प्रॉब्लम आ गया है, तो इसको आप एक बार कंसिडर कर सकते हैं। कहाँ मिलेगा तो नेट पर सर्च कीजिए, मैं लिंक नहीं दे रहा हूँ कोई भी, क्योंकि ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं। और लोकल मार्केट में इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनिशियली जब मैं बता रहा था तो आपको स्क्रीनशॉट लेकर के शॉपकीपर को अगर आप शो करेंगे तो वो आपको दे देगा। जेट का क्वालिटी भी बहुत अच्छा, और ये परफॉर्म कैसा करेगा एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, मैं यूज़ करके नेक्स्ट टाइम आपको बताऊँगा, बट क्वालिटी देखने से बहुत ही सही लग रहा है। ये जो होता है आपका पिन, ये सब, ये भी एक टाइम के बाद घिसने लगता है, तो सारा कुछ इसमें दिया गया है, व्यवस्था दिया गया है। फ्लोट पिन ऐसे ही अगर लेने जाएंगे मार्केट में तो 200-300 का पड़ जाता है, बट ये कंप्लीट सेट ही आपको मिल रहा है, और क्वालिटी वाइज भी देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, और यहाँ पे देखिए ये जो पिन होता है, सॉरी ये तो क्लिप है, ये देखिए। उसके बाद ये देखिए कार्बोरेटर वाला जो पिन होता है जनरली, और ये आपका वहाँ पे प्रेस रहता है, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए वो है शायद, तो उसका भी जुगाड़ दिया गया है इसमें यहाँ पे, ये देखिए। उसके बाद छोटा वाला जो जेट है, सेकेंडरी जेट, ये भी दिया गया, और इसका भी क्वालिटी एकदम सही है। तो हर एक कुछ इसमें दे गया है, मेन जो था रबड़ कंपोनेंट था, रबड़ कंपोनेंट के बाद इसमें जो जेट, ये सब भी, अब जेट आपको क्लीन करने का जरूरत नहीं है, यही लगा देंगे और देखेंगे परफॉर्मेंस कैसा आता है। तो ये दोस्तों, तो दोस्तों आपके कार्बोरेटर में भी अगर है तो आप भी आप इसको देख सकते हैं, मार्केट में एक अच्छा ऑप्शन मुझे लगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना चाहिए। तो दोस्तों प्लीज़ टू लाइक किया, अपने दोस्तों में शेयर किया, चैनल सब्सक्राइब किया, और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किया ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊँ तो नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।